नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। क्या जालना की लाठी चार्ज और गोलीबारी की घटना की वजह से कहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस शक के घेरे में तो नहीं है? क्या जालना की घटना को लेकर कहीं ना कहीं गृह मंत्री शक के केंद्र में आ तो नहीं गए? क्योंकि ये अभूतपूर्व ऐसी घटना है, क्योंकि जिस सरकार में एक मुख्यमंत्री और दो आधे आधे उप मुख्यमंत्री हो, जिसमें से मुख्यमंत्री स्वयं मराठा हो और एक उप मुख्यमंत्री वो भी मराठों के नेता हो, ऐसे वक्त महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कई वर्षों से चले आने वाले आंदोलन पर, इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, इसके बावजूद अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जहां मराठा आरक्षण के समर्थकों के ऊपर पुलिस की बेरहमी से पिटाई, पुलिस की बर्बरता, यहां तक पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। आखिर ऐसी क्या बात है कि जालना के एक तालुका में, उस तालुका के गांव में कुछ नौजवानों के द्वारा मराठा आरक्षण के समर्थन आमरण उपोषण करने की घटना के चलते इतना बड़ा कांड हो जाना, जहां पुलिस जिस कदर गांव वालों को, मराठा समुदाय को जिस तरीके से कूटा मारा, निश्चित तौर पर ये सवाल अब खड़ा हो गया है कि आखिर इन आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता के लिए बंबई में बैठे हुए कौन है वो जिम्मेदार? यह घटना खास करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को इतनी तीखी लगी है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री से बिना सलाह किए उन्होंने इस घटना को अपने अख्तियार में लिया, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते इसकी कोई परवाह ना करते हुए कि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री क्या कहेंगे, उन्होंने बड़े सख्त कदम उन्होंने उठा लिए हैं। देखते देखते चार बड़े पुलिस अधिकारियों को लंबी छुट्टी में भेज दिया गया है। दो अधिकारियों को जालना जिले के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, और दूसरी तरफ गृह मंत्री कुछ और बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जिन पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजा गया है, उसमें जालना जिले के पुलिस अधीक्षक है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है और उप विभागीय पुलिस अधिकारी, इन तीनों को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने सीधा आदेश निकाला और लंबी छुट्टी में इनको भेज दिया गया। उसी प्रकार दो और अधिकारी जिनको जिले के बाहर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक जिनको ट्रांसफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच अपर पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र सरकार इनसे कराने के आदेश स्वयं मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं।
और उधर उप मुख्यमंत्री, उनको ये महसूस हो रहा है कि सत्ता में आने के बाद अगर मराठा समुदाय पे लाठी भांजे जाएंगे या मराठा समुदाय को लाठी खाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को ये पूरी घटना कचोट रही है। और पहले दिन जब घटना हुई तो अजीत पवार ने कहा कि इस घटना की संगीन जांच की जाने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद अजीत पवार का बयान, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो स्वयं राज्य के गृह मंत्री है, पुलिस गृह मंत्री के ऊपर गृह मंत्रालय, गृह मंत्री का पुलिस विभाग पर सीधा एक प्रकार से नियंत्रण है। उधर गृह मंत्री ये बयान देते हुए, लगातार ये बयान देते हुए कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत धैर्य रखा, पुलिस ने बहुत संयम रखा। अगर संयम पुलिस नहीं रखती तो और भीषण घटना हो जाती। दूसरे तरफ गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत बर्बरता से मारा है, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के सर फोड़ दिए। आंदोलनकारी कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जब ये घटना हुई तब तो बातचीत भी चल रही थी जिला प्रशासन से, तो फिर किसका आदेश आ गया और ऐसी क्या घटना हो गई कि जब पुलिस अपना काबू खो दी और गांव वालों को इतने बेरहमी से पीटा। इतना होने के बावजूद अगर गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि पुलिस ने तो संयम बरता है, तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा सरकार में इस पूरी घटना को लेकर दो फाड़ हो गई है, कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लगता है, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लगता है कि पुलिस ने ज्यादती की है, पुलिस इस लाठीचार्ज को और आंसू के गोले छोड़ने की घटना को निश्चित तौर पर जो है कंट्रोल कर सकती थी, इससे बाज आ सकती थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दूसरे तरफ उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, वो सरेआम खुलेआम पुलिस की बाजू लेते हुए दिख रहे हैं। वो ना गांव वालों के साथ ना आंदोलनकारियों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति वो व्यक्त करते हुए नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है? राजनीति में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मराठा और शिवसेना से तोड़कर लाया गया हुआ मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री मराठा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से तोड़कर लेके आया है। और ऐसे वक्त मराठा आंदोलन पर लाठीचार्ज हो जाए तो कहीं ना कहीं ये चाल तो नहीं है कि मराठा समुदाय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर एक नाराजी खड़ा करने की कोई चाल तो नहीं है, कोई चाल तो नहीं है कि खास करके शरद पवार से अलग हुआ हुआ जो गुट है, अजीत पवार का जो गुट है, उसको कहीं कमजोर करने की एक बकायदा सोची समझी चाल तो नहीं है? क्योंकि जालना की एक घटना के राजनीति में बहुत दूरगामी परिणाम होते हुए नजर आ रहा है। आज के तारीख तक गृह मंत्री संदेह के घेरे में है, 3 दिन हो गए हैं, गृह मंत्री की भूमिका कहीं ना कहीं गृह मंत्री को इस पूरे घटना के लिए कटघरे में खड़ा
कर दिया है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार दोनों मराठा होने के नाते, मराठाओं के नेता होने के नाते वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने ही समाज के साथ कैसे आंख मिलाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर और कोई नए खबर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।